देखिए मैजिक आपको पसंद आया होगा। इसमें दो मैजिक आप देखे हैं, एक रुमाल आने का और दूसरा कबूतर निकलने का। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एम करते हैं मात्र 3000 लाइक्स के। यदि आप 3000 लाइक्स जितने जल्दी आ जाएंगे कबूतर का अगला जादू चलाएगा। इस जादू को दिखाने के लिए सबसे प्रथम जरूरत आपको पड़ेगा फ्लैश पेपर का। यह है फ्लैश पेपर। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत बताते हैं कि इसको जब जलाते हैं, इसको मैजिशियन ही यूज करते हैं फ्लैश पेपर को। थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है लेकिन बड़े ही मजेदार चीज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। अमेजन का लिंक है नीचे। तो देखिए जैसे थोड़ा सा है, इसको यदि जलाना है तो जल जाने के बाद कोई टुकड़ा नहीं बचता है। देखिए बड़े मजेदार चीज है। यहां पर हम पकड़े हुए हैं, इसको आप जलाए, अब कुछ यहां पर बचा नहीं। तो दोस्तों आपको फ्लैश पेपर ले लेना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे मैजिक किए जाते हैं और कबूतर भी निकाला जाता है। इससे पैसे भी बना सकते हैं, रुमाल भी बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक किए जाते हैं। तो इसलिए फ्लैश पेपर रहता है तो और बढ़िया रहता है। तो इसे क्या करते हैं, इस फ्लैश पेपर को अपने पॉकेट में यहां पर रख देंगे, पॉकेट में यहां पर रहेगा ये। और इसके बाद इस कबूतर को एक डब होल्डर आपको लेना पड़ेगा और इसी डब होल्डर में आप ऐसा बनवा भी सकते हैं कबूतर के साइज का। इसी के अंदर यह रहेगा, इसी के अंदर, और यहां पर यह टेप है, इसे ऐसे साट देते हैं और फिर इसी में रुमाल को भी अटैच कर दिए हुए है। यह बहुत इजी तरीका है। और इसको यहां पर डाल देते हैं अपने पॉकेट में। अब पॉकेट में यह है। अब फिर इस रुमाल को ऊपर से मोड़ते आएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करते आना है। देखिए अब इस तरह से फोल्ड हो गया है। यहां पर धागा लग, यहां पर ब्लैक कलर का धागा है जिससे कपड़ा सिलाई करते हैं। देखिए यह धागा यहां पर रहेगा। अब इसे पॉकेट में रखेंगे और नीचे फ्लैश पेपर है, फ्लैश पेपर लेने के बहाने इसे निकालते हैं। जिससे यहां देखिए इस फ्लैश पेपर को पहले ले लेंगे, नीचे फ्लैश पेपर है, ऊपर ही ऐसे निकालते हैं। यहां पर रुमाल है। अब इसे इस धागे को ऐसे पकड़कर और यहां पर रुमाल रखेंगे और फ्लैश पेपर को ऐसे यहां पर पकड़ लेंगे। पकड़ लेने के बाद अब फ्लैश पेपर को जैसे ही जलाएंगे रुमाल को छोड़ देंगे, फ्लैश पेपर जलेगा और फिर रुमाल को छोड़ देंगे। देखिए ऐसे जलना शुरू हुआ, आप रुमाल छोड़ देंगे ऐसे, साथ साथ फ्लैश पेपर छोड़िएगा तो और ही मजेदार लगता है। तो ऐसे रुमाल निकला। इसके बाद जब कबूतर निकालना है तो इसे दो बार तीन बार ऐसे मूव किए, ऐसे शो किए, इसमें कुछ नहीं है। और ऐसा करने के बाद इस धागे को यहां पकड़ लिए जिसमें धागा लगा हुआ है कबूतर का। अब इसे यहां खींचेंगे, यहां खींच देने के बाद ऐसे करेंगे एक बार ऐसे ही फोल्स, और अगली बार जब इसे ऐसे करते हैं तो उसी समय इसे यहां खींच देते हैं ऐसे, और यहां से जब इसमें आ जाता है तब इसे ऐसे खोलते हैं यहां से। अब कबूतर खुद ब खुद निकलता है, उसको पंख फड़फड़ाने लगता है। ये आराम से रहने वाली चीज है नहीं। देखिए तो यही था आज का ट्रिक दोस्तों। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो, और प्लीज एक बार और अनुरोध करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही लाइक पूरे हो जाएंगे अगला भी कबूतर का जादू आ जाएगा। तो देखते रहिए इसी तरह से मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नए मैजिक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।